मनुष्य और पशु में अंतर क्या है? तो पशु को संवेदना होती है, नहीं होती है? बिल्कुल ऐसा नहीं। एखादे घर में एखादा व्यक्ति गुजर जाता है तो उस घर की गाय 3 दिन खाती नहीं, उस घर का कुत्ता खाना पीना छोड़ देता, ऐसे कई प्रसंग प्रत्यक्ष लोगों के अनुभव में है। उनको भी समझ में आता, संवेदना सबको होती है, लेकिन संवेदना पर कृति करना, ये गुण मनुष्य का है, उसको करुणा कहते हैं। अभी G20 हुआ, G20 में एक C20 भी हुआ, Civic 20 ऐसा। तो वो नागपुर में कार्यक्रम संपन्न हुआ अभी कुछ दिन पहले, उसमें हमारे देश के नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी जी आए थे, विवेकानंद केंद्र की उपाध्यक्षा निवेदिता भिड़ी जी आई थी, तो वहाँ आए थे। तो सत्यार्थी जी ना हमारे उत्सव में अध्यक्ष के नाते आए थे, निवेदिता जी का घर संघ का है, तो ये लोग मिले वहाँ नागपुर में, मैं भी था उस दिन। क्या हुआ G20 में, अमृतानंद माता जी का कीनोट एड्रेस हुआ, उनकी अध्यक्षता C20 के लिए थी, तो उन्होंने और कैलाश जी ने ये विषय रखा वहाँ पे कि हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो हमको करुणा का भी ग्लोबलाइजेशन करना चाहिए, यानी संपूर्ण विश्व में करुणा ये कुछ करने का आधार होना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी करुणा ये आधार होना चाहिए। और उसको बताते समय तीनों ने ऐसा कहा कि केवल संवेदना से काम नहीं चलता, तो संवेदना के आधार पर कृति होनी चाहिए। अगर किसी का दुख मुझे दुख रहा है, उससे मैं दुखी होता हूं, अच्छी बात है, लेकिन केवल दुखी होने से काम नहीं चलता, उस दुख का इलाज करने के लिए हमको दौड़ना चाहिए। ये करुणा है, और इस करुणा को हमारे यहां धर्म के 4 पैरों में एक स्थान दिया है। सत्य के बाद करुणा का स्थान, सत्य करुणा शुचिता उपेक्षा, ऐसे 4 पैर कहे जाते हैं। उसमें सत्य के बाद करुणा है, क्योंकि ये करुणा भी सत्य की तार्किक परिणति है, लॉजिकल कंक्लूजन है। क्योंकि सत्य क्या है, हम सब एक ही तत्व से अनुप्राणित है। अगर हम सब एक है अंदर से, तो मैं अकेला सुखी हूं, बाकी दुखी है, ये मुझसे देखा नहीं जाएगा। जैसे पीरामल जी ने कहा कि मुझे जो कुछ मिला है वो सबको देने के लिए मिला है, तेन त्यक्तेन भुंजिथा, ऐसा जो कहा है ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचं जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा, मेरे पास जो है वो सबके लिए देकर जो बचता है उसमें मैं मेरा चलाऊं, क्योंकि मैं और बाकी ये अलग नहीं है, सब में मैं हूं, मुझ में सब है। सेवा जैसे मनुष्यता की स्वाभाविक अनुभूति है, वैसे सेवा इस सत्य की प्रत्यक्ष अनुभूति है। इस भाव से सेवा होनी चाहिए, इस भाव से जब सेवा होती है तो हमारे देश में वो समरसता का साधन होता है, होना चाहिए। इतने सारी सेवा संघ के स्वयंसेवक कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? तो हमारे देश में सब लोग मिलकर, हमारा राष्ट्र है, समाज है, हम सब लोग समाज के अंग है, हम सब मिलकर समाज है, एक नहीं है तो हम अधूरे हो जाएंगे। और सब एक दूसरे के साथ है तब हम पूर्ण बन जाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य से यह परिस्थिति आई है। कारण क्या है, क्यों है, चिकित्सा करने वाले करें, लेकिन हमको वो परिस्थिति नहीं चाहिए, हमको ये विषमता नहीं चाहिए,
हम सब एक राष्ट्र पुरुष के अंग होने के नाते अपने अपने स्थान पर अपना अपना काम करते होंगे, काम के अनुसार रूप रंग निराला होता होगा जैसे शरीर के अंगों का होता है, लेकिन हम सब में एक ही प्राण है। और ये पता चलना चाहिए, अगर पैरों में सुई चुभी तो जैसे शरीर के सारे अंग उस क्षण में केवल जहां सुई चुभी है उसी का विचार करते हैं, उस समय दूसरी बात ध्यान में नहीं आती है, तुरंत आके उधर जाती है, तुरंत हाथ देखते हैं कहां से क्या निकालना है, कुछ काटा वाटा है क्या जो निकालना है, सारा शरीर उस एक वहां के दुख की संवेदना से साथ केवल एक रूप नहीं होता, कुछ करने जाता है। समाज का ऐसे ही होना चाहिए, समाज का एक अंग उपेक्षित है, दुबला है, उसको नीचे का स्थान है, ये कैसे हो सकता है भाई? अगर किसी शरीर का एक अंग दुबला है, पीछे है, उसको पीछे रह दिया गया है, तो उस शरीर को स्वस्थ शरीर नहीं कहते, कहते कि पैरालिटिक है, पैर सुन्न हो गया है, उसको वैसे ही खींच रहा है। अपने देश को अच्छा देश बनाना है, विश्वगुरु बनाना है, इसका मतलब वो सर्वांग परिपूर्ण होना चाहिए, उसका प्रत्येक अंग सामर्थ्य संपन्न होना चाहिए। तो समाज में अभी इसकी आवश्यकता है तो हमको करना है। क्यों करना है? इसलिए कि वो समाज मेरा अपना है, मेरे अंदर उस सारे समाज का एक छोटा सा रूप है और संपूर्ण समाज में मैं अपने आप को देखता हूं, यह हमारा सत्य है। उस सत्य के आधार पर यह सेवा है, सहज सेवा है। संकल्प है तो यह है कि मेरे समाज का, मेरे राष्ट्र का कोई अंग मैं दुर्बल, पिछड़ा, नीचा नहीं रहने दूंगा, वो मेरे जैसा ही है। कार्य के बंटवारे में उसका मेरा कुछ अलग हो सकता है, लेकिन हम समान हैं। मेरा कार्य जितना महत्वपूर्ण और उच्च अवस्था का है, वैसा उसका भी काम उतना ही उच्च, उतना ही महत्वपूर्ण है। श्रम की प्रतिष्ठा सर्वत्र है और कोई भेद नहीं, धीरे धीरे बढ़ना पड़ेगा। महाराज जी ने जो कहा है ना, एक एक बात बहुत स्पष्ट कही है उन्होंने। आपको क्या लगा मुझे पता नहीं, तालियां तो आप बजा रहे थे, लेकिन जो कहा है वो एक एक बात सत्य है और उसका विचार करके उसके अनुसार ही आज ना कल हमको चलना ही पड़ेगा। हम प्रयास कर रहे हैं आज ही वो हो जाए, क्योंकि वही सब स्वस्थ समाज का लक्ष्य है। सेवा स्वस्थ समाज को बनाती है, लेकिन स्वस्थ समाज को बनाने के लिए वो पहले हमको स्वस्थ करती है। सेवा करते तो लगता है हम कुछ कर रहे हैं, किसी का भला होते हुए देखता है तो मन में थोड़ा सा तो आता ही है, मैंने किया तो देखो कितना अच्छा हो गया। अच्छा हो गया ये तो ठीक ही है, होना भी चाहिए, उसका आनंद भी है। मैंने किया इसका विशेष आनंद रहता है, मैंने भी किया, थोड़ा सा अहंकार आ जाता है। लेकिन जब सेवा करते रहते हैं ना, तो ऐसी अनुभूति देता है, जिसकी सेवा करते वही देता है कि हमारा वो अहंकार चूर चूर हो जाता है। एक छात्रावास चल रहा है, वनवासी लोगों का छात्रावास, वहां पर एक जंगल में गांव में रहने वाला एक वनवासी बालक आ गया। वो केवल अपना हस्ताक्षर कर सकता था और उसको अक्षर ज्ञान नहीं था, और घर में थोड़ी बहुत खेती थी, परिवार में उसकी बूढ़ी माँ थी वो था, और कोई था नहीं, थोड़ी सी जमीन थी लेकिन उसमें चल जाता था। लेकिन थोड़ा और, क्योंकि जमीन होने के कारण चावल तो मिल जाता था, सब्जी उब्जी उगा लेते थे, जंगल में रहते तो जंगल में भी बहुत कुछ मिलता है, परंतु कभी कुछ लाना है
नमक लाना है वगैरह, तो पैसा चाहिए, मुद्रा चाहिए, उसके लिए कुछ छोटी मोटी नौकरी मैं कर लूँगा, ऐसा सोच के वो आया था ब्लॉक केंद्र पर, नौकरी ढूंढ रहा था। अब जिसको अपना हस्ताक्षर छोड़ के कुछ भी अक्षर ज्ञान नहीं, उसको क्या नौकरी मिलने वाली है। वो आया, उसके परिचित छात्रावास में एक बालक पढ़ रहा था, उसके परिचय से छात्रावास में रुका, 3 दिन घूमा, कुछ नहीं मिला। 3 दिन के बाद वो हमारे अधीक्षक के पास आया और उसको उसने कहा कि यह तो नौकरी वगैरह मिली नहीं, लेकिन मैं यहाँ 3 दिन से हूँ, मैं देख रहा हूँ, यहाँ झाड़ू लगाना पड़ता है, यहाँ पानी भरना पड़ता है कुएं से, यहाँ भोजन बनाना पड़ता है, आप ये काम मुझे दो, मुझे वेतन दो, मैं ये काम करूँगा। घर में हमारी माता जी है, बूढ़ी है लेकिन थकी नहीं है, तो हमारी छोटी सी जमीन है, आधा एकड़ होगी, वो देख लेगी, उसको मैं ये पैसे भेजते रहूँगा और कुछ बचत वचत भी करूँगा, तो आड़े वक्त में आधार के लिए हो जाएगा। तो हमारे छात्रावास अधीक्षक ने कहा कि देखो भाई, हम भी लोगों से मांगकर सेवा करने वाले लोग हैं, तो हमको देने के लिए हमारे पास ज़्यादा नहीं, तुमको तो कोई नौकरी छोटी भी मिल जाए, 100-200 रुपया कुछ महीना ऐसे मिल जाए, हम यहाँ 30 रुपये से ज़्यादा दे नहीं सकते। तो उसने कहा कि इससे ज़्यादा नौकरी मुझे मिल भी नहीं सकती, तो आप वही दे दो मुझे, ऐसा करो 4 महीने का एक साथ दो, और वो रह गया। तो ठीक है, बीच में एक बार हमारे विभाग प्रचारक जी आए, तो वो थे वहाँ 2-3 दिन, तो इसने परिचय करा लिया, पूछा कहाँ रहे, तो उन्होंने बताया विभाग केंद्र का नाम, तो बोले अच्छा शहर से, आप कितने पढ़े हैं, तो तुम कितने पढ़े हो, तो उसने कहा कि मैं पढ़ा नहीं हूं। उन्होंने कहा मैं तो अब पढ़ा नहीं है उसको क्या बताना, डिग्री भी क्या समझ में आएगी। उन्होंने कहा मैं 22वीं पढ़ाऊं 22वीं, क्योंकि वो MCOM LLB है, तो ठीक है 22वीं। तो बड़ा आश्चर्यचकित हो गया, 22वीं पढ़े तो आप बहुत पैसा कमाते होंगे। तुमने कहा पैसा नहीं कमाता, मैं यही काम करता हूँ। अच्छा, तो इस काम के कितने मिलते हैं आप? उन्होंने कहा भाई मैं प्रचारक हूँ, पैसे वैसे लेता नहीं हूँ, तो आपका घर कैसे चलता है? तो मेरा घर नहीं है, माता पिता वगैरह है, भाई है, उनकी घर गृहस्थी, मैंने विवाह ही नहीं किया। क्यों नहीं किया? ये काम करना है इसलिए। ये काम क्यों कर रहे हैं आप बिना कुछ पैसे के? और तुमने कहा देखो ये अपना समाज है, उसके लिए काम करना। प्रचारक ने मुझे बताया कि ऐसा उसको बताया तो वो सोचने लगा, तो मुझे बड़ा आनंद लगा कि कहीं ना कहीं अपने त्याग की कोई कदर है, और मैं ऐसा करता हूँ तो लोग सोचते हैं मेरे जीवन को देखकर, ये बहुत अच्छी बात है, ये थोड़ा सा मन में आ गया उनके। दूसरे दिन ये बालक छात्रावास अधीक्षक के पास गया और उनको कहा कि वो मेरा पैसा जो है, तो कहा देखो 2 महीने हुए, 60 रुपये अब तुम ले लो। छात्रावास अधीक्षक ने समझा उब गया है, 30 रुपये में क्या करेगा, छोड़ना चाहता है, तो उन्हें 60 रुपये ले लो और जाओ। उसने नहीं, मैं जाने वाला नहीं हूँ, मुझे वो पैसा नहीं चाहिए। तो उसको लगा एक गुस्सा हो गया, देखो मैंने पहले ही बताया था 30 रुपया देंगे महीने का, पहले ही समझाया था तुमको ये बहुत कम है, अब हमारे पास है नहीं तो क्या करेंगे। थोड़े नहीं नहीं मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैं बिना पैसे से यहाँ रहकर यही काम करूंगा। तो लिखी ये कैसे करोगे तुम? उसने कहा तो क्या हुआ, ये 22वीं पढ़ी है और समाज का काम कुछ ये बिना करते, तो यहाँ तो मैं देख रहा हूँ मेरे ही अपने भाई मित्र यहाँ सब पढ़ रहे, इतना अच्छा काम, मैं अनपढ़ हूँ तो क्या, ये काम तो मैं कर सकता हूँ, इनके लिए समय दे सकता हूँ। 15 साल पूर्णकालिक रहा हूँ, बाद में उसको अपना घर चलाना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा, इसलिए ड्राइविंग वगैरह सिखा कर, बाकी पढ़ने की उसकी क्षमता नहीं थी, तो उसकी नौकरी वगैरह ढूंढ कर उसको स्थापित कर दिया हम लोगों ने। लेकिन उस प्रचारक ने हमको कहा कि जब पहले बात की तब मुझे लगा कि चलो, लेकिन दूसरे दिन मैंने सोचा कि हम तो खाते पीते घर के, पढ़े लिखे, विचार कर सकने वाले, बहुत बौद्धिक पी पी कर और हम ऐसे तैयार हो गए और फिर जीवन दिया,
इसको तो कुछ भी नहीं मिला, ये एक रात में उसने तय कर लिया कि देश के लिए करेंगे। ये अपने उस अंग की महत्ता है जो पीछे है, जो कभी कभी हम कहते हैं कि थोड़ा दूर रहो, वो सिखाता है हमको कि यहां बैठे हुए प्रत्येक सेवा कार्यकर्ता का अनुभव है। इसलिए ये सहज सेवा, उसमें संकल्प जुड़ जाता है, देश को बड़ा करना है, सबको बड़ा करना है। लेकिन देश बड़ा होगा नहीं होगा ये भविष्य की बात है। हमारा समाज आज इस स्थिति में है तो ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, शोभा देने वाली बात नहीं है। हमारे समाज का एक अंग पीछे नहीं है, हम उसके कारण सब लोग पिछड़ गए हैं। ये पिछड़ापन दूर करना है, सबको समान अपने जैसा मानकर सबको सेवा के द्वारा अपने जैसा बनाना है। हम संकल्प कर सकते हैं, हम सेवा कर सकते हैं, उनकी ताकत नहीं है, उनको ऐसी ताकत देनी है कि वो ताकत पाकर वो उस हमारे पूर्णकालिक वनवासी बालक जैसे कहेंगे कि हम पीछे रहे तो क्या हुआ, हम भी कर सकते हैं।